Hi guys, you're watching JT Jones. Don't forget to click on the red subscribe button. And by the way, click on the bell icon so that you receive daily notifications. Hi guys, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ Realme C2 स्मार्टफोन, यानी Realme C2 जो मेरे पॉकेट में है, इस स्मार्टफोन का रियर कैमरा प्लस फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल। वीडियो सैंपल मैंने बनाया है आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में और इंडोर लाइटिंग कंडीशन में, यानी बाहर गया था मैंने वीडियो व्लॉग टाइप बनाया है और इंडोर लाइटिंग में भी व्लॉग टाइप बनाया। मैंने घर के सामने मल्टी एक्टिविटी सेंटर है उसमें व्लॉग टाइप बनाया है, मतलब हैंडल व्लॉग टाइप बनाया, उसका मैंने वीडियो सैंपल लिया है, कंप्यूटर में डाला, एडिट किया और वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर आप ये फ़ोन खरीद रहे हो व्लॉगिंग बनाने के लिए या मतलब थोड़ा सा मजाक मस्ती के लिए व्लॉग्स बनाने के लिए, कि ये फ़ोन कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बिना कहीं मत जाना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और मैंने रियलमी C2 पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसका मैंने आई कार्ड पे लिंक दे दूंगा यहाँ पर। उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जैसे वाटर टेस्ट बनाया है, ऑडियो क्वालिटी टेस्ट बनाया है, गेमिंग रिव्यू टेस्ट बनाया है, कैमरा सैंपल्स बनाया है, ठीक है, और अनबॉक्सिंग बनाया है, फर्स्ट बूट बनाया है, 15 वीडियोस बनाए लगभग, ठीक है। उन सबका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, जाकर देखना मत भूलना। और मेरे को ट्विटर में जाकर फॉलो कर लो, ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ट्विटर में आप वीडियोस पोस्ट कर सकते हो मेरे को, और जो भी डाउट है पोस्ट कर सकते हो, तो ट्विटर में जाकर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो कैमरा के टेस्ट को। ये हमारे गार्डन है, ये हमारे घर है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि फोकसिंग कैसा कर रहा है। मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है और मैं पैदल चल रहा हूँ धीरे धीरे, कि हमारे रोज है, गार्डन है। आप देख सकते हैं मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है गार्डनिंग के लिए, तो हमारे गार्डन में सारे चीज़ें उगते हैं। और हमारे किचन गार्डन है जिसमें से हम काफ़ी चीज़ें ले लेते हैं कुकिंग के लिए। मेरी मम्मी इसी से अपनी किचन गार्डनिंग का कुकिंग चैनल चलाती है, उनका भी चैनल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो आप अपनी मम्मी को कह सकते हो कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कुकिंग टिप्स ले सकते हो। ये हमारा कार है, आप देख सकते हैं कि मैं फोकस कर रहा हूँ इस पर, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने फोकस किया, आप देख सकते हैं कि फोकसिंग कैसा है। फोकसिंग काफ़ी सही है मेरे हिसाब से, मैं टच टू फोकस का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। देखो आप, मैंने टच टू फोकस किया तो यहाँ पर फोकस हो गया, और यहाँ पे मैंने छोड़ा तो फोकस नहीं हुआ, पर जैसे मैंने टच टू फोकस किया तो फोकस हो गया। तो टच टू फोकस बिल्कुल सही काम कर रहा है। और यहाँ पे 1x और 2x जूम भी है, तो मैंने अभी 2x जूम पे किया और अभी 1x, अभी 2x जूम पे किया और अभी 1x, तो 1x एंड 2x जूम भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कि हमारे घर के सामने मल्टी एक्टिविटी सेंटर है, ये एक मॉल टाइप है जहाँ से सारे अमूल सेंटर है, कैफ़े कॉफ़ी डे है, इकोनॉमिक बास्केट है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ से हम सब्जी वगैरह खरीद सकते हैं। ये हमारे घर है। अभी मैं छाँव की तरफ चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि छाँव कैसा है, शेड कैसा है। अभी धूप में था मैं, आप देख सकते हैं कि धूप में कैसा काम कर रहा था। अभी मैं पैदल चल रहा था तो आप देख सकते हैं कि शेक वगैरह कैसा आ रहा है। मेरे हिसाब से इसमें स्टेबलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं है, ना कि EIS है। आप देख सकते हैं कि इसके बाइक के साउंड कैसा आया होगा। नॉइस सेपरेशन वगैरह कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें नॉइस सेपरेशन के लिए कुछ भी नहीं है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। इस गाड़ी की तरफ मैं चलता हूँ। फोकसिंग काफ़ी सही है, देख सकते हैं कि मैं जैसे गाड़ी की तरफ चलता हूँ ये काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहा है। कभी कभी आपको टच टू फोकस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यार मुझे ये रेनॉल्ट फ्लुएंस काफ़ी अच्छा लगता है, पीछे से काफ़ी सुंदर लगता है रेनॉल्ट फ्लुएंस। कलर्स काफ़ी पॉप आउट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्रोमा की मोड भी है, क्रोमा की नहीं, क्रोमा ऑन मोड नाम का एक मोड है जो आप फोटोज़ में यूज़ कर सकते हैं, वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते हैं। 1x और 2x मोड जो कि आर्टिफिशियली आपको फ़ोटो को जूम इन कर रहा है, वो भी काफ़ी काम आता है। और अभी मैं इंडोर पे चलता हूँ, अभी तक मैं आउटडोर पे था, इंडोर पे चलता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इंडोर लाइटिंग है यहाँ पर, अब देख सकते हैं कि इंडोर लाइटिंग पे कैसा चल रहा है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा पैदल चलता हूँ। जैसे हम इंडोर पे आ रहे हैं थोड़ा सा चॉपी हो रहा है,
यहाँ पे स्टेट बैंक, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे इकोनॉमिक बास्केट, यहाँ पे अमूल, वहाँ पे ऊपर उटोपिया जिसे मैं जूम करूँगा, और अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगा, थोड़ा सा स्टेबल ज़रूर लग रहा है मेरे को। और ये सुपारी कैसी हो जिसे मैं जूम करूँगा। तो ये रहा एक टूर जो मैंने अपने कैफ़े कॉफ़ी डे भी देख सकते हैं, काफ़ी लकी मानता हूँ मैं अपने आप को क्योंकि घर के सामने कैफ़े कॉफ़ी डे है और वो भी हमें 20-30% ऑफ मिलता है रोज़, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि IIT का है ना, तो सही बात है। तो ये रहा एक रियर कैमरा का एक ओवरव्यू। मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे को तो अच्छा लगा, 6000 के अंदर मेरे को अच्छा लगा, फोकसिंग भी सही है और कैमरा क्वालिटी भी मेरा सही है, पर स्टेबल नहीं है, स्टेबल हम मान नहीं सकते, आप गिम्बल यूज़ करना पड़ेगा आपको। पर ये रहा एक रियर कैमरा का टूर। अभी हम स्विच करते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। तो अभी फ्रंट कैमरा शुरू हो गया है और इससे आपको पता लग रहा होगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसा है, और मैं अभी सीढ़ियाँ से चढ़ रहा हूँ, मतलब उतर रहा हूँ, इसे स्टेबलाइजेशन का भी पता लगेगा। काफ़ी क्रॉप्ड इन लग रहा है, मैंने अपना हैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड इन कर रखा है, फिर भी क्रॉप्ड इन लग रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट इंप्रेशन है कि क्रॉप्ड इन लग रहा है, कोई बात नहीं, इस मतलब बजट में ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैं इंडोर से अभी आउटडोर जा रहा हूँ, इससे पता लग जाएगा कि मतलब आउटडोर में कैसा है। आउटडोर में आ चुका हूँ, लाइटिंग काफ़ी सही लग रहा है, इसमें हमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और अभी मैं छाँव में हूँ, अभी धूप में जाऊँगा, अभी डॉग्स भौंक रहे हैं, ठीक है, उनका भी आवाज़ आपको सुनने को मिल रहा होगा। ग्रीन लीव्स, फ्लावर्स, कार्स, बैकग्राउंड सेपरेशन, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी गाड़ी जाने वाली है, अभी मैं धूप में आ चुका हूँ, पीछे सन है, आपको सन दिख रहा होगा। 5 मेगापिक्सल का कैमरा ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा डिटेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा सही भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, ठीक है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, पर कलर्स ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कलर्स पॉप आउट हो रहे हैं। शेडोज़ में आ चुका हूँ, शेडोज़ में भी कलर पॉप आउट हो रहे हैं, स्टेबल नहीं है, मेरे हाथ को मैंने जितना स्टेबल हो सकता उतना स्टेबल पकड़ रखा है, स्टेबल नहीं है, आपको गिम्बल यूज़ करना पड़ेगा। पर ऑडियो क्वालिटी कैसा रहा वो मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना, कमेंट्स में बताना, ट्विटर में जाकर मेरे को फॉलो कर लो, ठीक है, और उसमें भी आप बता सकते हो। मैं घर आ चुका हूँ, अभी क्या करना है मेरे को, इस वीडियो को जाके एडिट करना है और फिर अपलोड भी करना है, और फेस अनलॉक टेस्ट वाला वीडियो भी बनाना है, और मैं अभी इसे लॉक कर रहा हूँ, लॉक करता हूँ, ये हो गया लॉक। गर्मी बहुत हो रही है अभी रुड़की में, लगभग 36-37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसका फ्रंट कैमरा कैसा काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, बिना कहीं बताना वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।